देखो, जब से बेन 10 का शो हमें देखने को मिला था उसके बाद से बेन 10 की जो पॉपुलैरिटी लेवल है वो इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी कि इतने सालों के बाद भी आज भी बेन 10 के जो फैंस हैं वो बेन 10 की न्यू सीरीज का वेट कर रहे हैं। लेकिन बेन 10 की जो न्यू सीरीज है उसका अता पता नहीं है। अभी के टाइम पे एक रूमर निकल के आया था बेन 10 की मूवी का, लेकिन उसकी भी कोई कन्फर्मेशन पूरी तरह से निकल के नहीं आई। और जितने भी रूमर्स निकल के आए थे उनको लेके कल मैंने एक अलग से वीडियो अपलोड की थी, अगर आप लोग वो वीडियो देखना चाहते हो जहाँ पे बेन 10 की हर एक डिटेल मैंने बताई है, तो आई बटन पे आप लोग को वीडियो मिल जाएगी, उस पे क्लिक करके आप लोग वो वीडियो देख सकते हो। लेकिन इस वीडियो के एंड होने के बाद, क्योंकि ये वाली जो वीडियो बेन 10 के फैंस के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज मैं आप लोग को बताने वाला हूँ बेन 10 के अलावा 5 ऐसे यूनिवर्स के बारे में जो कि बेन 10 की तरह काफी ज्यादा पॉपुलर है और उनकी जो स्टोरी लाइन है वो देखने में काफी यूनिक है। तो अगर आप लोग भी इनके बारे में जानना चाहते हो और बेन 10 के अलावा कुछ नया देखना चाहते हो तो हमारी इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि इन 5 यूनिवर्स के बारे में आज की हमारी इस वीडियो में आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने की, ताकि आपको फ्यूचर में ऐसी और भी अमेजिंग वीडियोस देखने को मिलती रहे। तो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 5 पे एक्समैन का यूनिवर्स जो कि हमें फॉक्स के अंडर देखने को मिला था। अगर आप लोगों ने इस वाले यूनिवर्स को फॉलो नहीं किया तो आप लोग काफी बड़ी चीज मिस करने वाले हो, क्योंकि इस यूनिवर्स के अंदर हमें ऐसे ऐसे कैरेक्टर देखने को मिले हैं जो कि एक्समैन की सीरीज के मोस्ट पॉपुलर कैरेक्टर है और पूरे वर्ल्ड में उनको जाना जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे वुल्वरीन को ले सकते हो, क्विक सिल्वर को ले सकते हो, या फिर मैग्नेटो के जैसे पावरफुल कैरेक्टर को ले सकते हो। ये कुछ ऐसे कैरेक्टर एक्समैन के यूनिवर्स में जिनकी पॉपुलैरिटी लेवल काफी ज्यादा है, और इस यूनिवर्स के अंदर इनकी जो स्टोरी लाइन हमें देखने को मिली थी इसमें टाइम ट्रेवल भी दिखाया गया था। और पर्सनली मुझे ये मूवीज काफी बेटर लगी थी, हालांकि कुछ लोगों को ये बेकार भी लग सकती है। लेकिन अगर आप लोग बेन 10 के फैन है और बेन 10 के अलावा कुछ न्यू देखना चाहते हैं तो आप लोग के लिए काफी यूनिक चीज है, आप लोग को एक बार जरूर ट्राई करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हमें टाइम ट्रेवल भी दिखाया गया था और लोगन के जैसा पावरफुल कैरेक्टर ये टाइम ट्रेवल करता है और हमें इसमें काफी सारी यूनिक चीजें देखने को मिलती है। तो मेरे कहने पे एक बार आप लोग को ये मूवीज देखने चाहिए। नंबर 4 पे आता है इनविंसिबल यूनिवर्स। अगर आप लोगों ने ये वाला यूनिवर्स नहीं देखा और आप लोग बेन 10 के फैन हैं तो आप लोग को ये वाला यूनिवर्स देखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बेन 10 के यूनिवर्स की तरह हमें कई सारे यूनिक एलियंस की अपीयरेंस भी देखने को मिलती है। क्योंकि इनविंसिबल का जो कैरेक्टर है वो काफी बार यूनिवर्स में ट्रेवल करता है, डिफरेंट प्लैनेट्स पे जाता है और वहाँ पे हमें कई सारे यूनिक एलियंस देखने को मिलते हैं जिनके साथ इनविंसिबल की बैटल भी दिखाई जाती है। और इस यूनिवर्स का जो मेन कैरेक्टर है जिसे आप लोग ओमनीमैन के नाम से जानते होंगे, ये कैरेक्टर भी एक एलियन है जो कि काफी पावरफुल कैरेक्टर हमें देखने को मिला था। तो अगर आप लोग बेन 10 के अलावा एलियंस वाले किसी यूनिवर्स को फॉलो करना चाहते हो तो आप लोग इनविंसिबल यूनिवर्स को फॉलो कर सकते हो। अभी तक हम इसके 2 सीजन देखने को मिल चुके हैं और काफी यूनिक सीजन है, और यहाँ पे हमें टाइम ट्रेवल भी देखने को मिलता है, डायमेंशन ट्रेवल भी देखने को मिलता है। तो अगर आप लोग सच में बेन 10 के फैन है तो एक बार आपको इनविंसिबल यूनिवर्स देखना चाहिए। नंबर 3 जुजुत्सु काइसेन। अगर आप लोगों ने अभी तक ये वाला यूनिवर्स नहीं देखा तो आप लोग काफी बड़ी चीज को मिस करने वाले हो, क्योंकि बेन 10 से हट के अगर आप लोग एनिमे के थोड़े भी फैन हो तो आप लोग को ये वाले यूनिवर्स फॉलो करना चाहिए। यहाँ पे हमें कुछ कैरेक्टर ऐसे देखने को मिले जिनके पास इतनी ज्यादा पावर है कि पूरी सिटी को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, और हमें सुकुना और गोजो का जो कैरेक्टर देखने को मिला इनके पास तो पावर की कोई लिमिट नहीं है। ये कैरेक्टर चाहे तो अपने यूनिवर्स में एग्जिस्ट करने वाले हर एक कैरेक्टर को नॉकआउट कर सकते हैं। और सुकुना का कैरेक्टर पर्सनली मुझे काफी अच्छा लगा था, क्योंकि इसके जैसा बैडएस कैरेक्टर हमें कभी कभी देखने को मिलता है। और अगर आप लोग किसी बैडएस विलन को देखना चाहते हो तो आप लोग एक बार सुकुना के कैरेक्टर को देखना और इस यूनिवर्स को फॉलो करना। अभी तक हम इसके 2 सीजन देखने को मिल चुके हैं, 3rd सीजन आने वाला है। तो अगर आप लोग इसको स्टार्ट करना चाहते हो तो पहले सीजन से आप लोग इसे देख सकते हो। नंबर 2 पे डीसी यूनिवर्स। डीसी यूनिवर्स के बारे में लगभग हर कोई जानता है जो बेन 10 को देखता है, हल्का फुल्का उनको डीसी के बारे में पता होगा, क्योंकि डीसी यूनिवर्स जो है वो काफी यूनिक यूनिवर्स है जिसमें हमें कई सारे पावरफुल कैरेक्टर देखने को मिलते हैं, जैसे कि सुपरमैन, बैटमैन, वंडर वुमन, फ्लैश के जैसा कैरेक्टर, या फिर और भी कई सारे पावरफुल कैरेक्टर जैसे डार्कसाइड। अगर आप लोग इनके बारे में जानते हो तो आप लोग को ये वाला यूनिवर्स जरूर फॉलो करना चाहिए, क्योंकि डीसी यूनिवर्स के अंदर हमें काफी सारी यूनिक चीजें देखने को मिल चुकी है। और आप लोग जस्टिस लीग देखने के बाद जैक स्नाइडर वाली जो जस्टिस लीग है उसको भी देखना, वहाँ पे और अच्छे तरीके से हमें स्टोरी को दिखाया गया था। तो आप लोग डीसी यूनिवर्स को भी फॉलो कर सकते हो बेन 10 के अलावा। हालांकि बेन 10 भी जो है वार्नर ब्रोस के अंडर ही आता है और डीसी यूनिवर्स भी वार्नर ब्रोस के अंडर आता है, तो आप लोग इन यूनिवर्स को फॉलो कर सकते हो सकता है कि फ्यूचर में इनका क्रॉसओवर भी हमें देखने को मिल जाए। बात करें नंबर 1 के बारे में तो ये कोई और नहीं बल्कि मार्वल यूनिवर्स है, यानी कि एमसीयू है। अगर आप लोग एमसीयू के फैन हो तो आप लोग को एमसीयू के बारे में पता होगा, लेकिन अगर आप लोग सिर्फ बेन 10 को देखते हो और बाहर नहीं निकले कभी भी तो आपको एक बार एमसीयू यूनिवर्स को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि एमसीयू यूनिवर्स के अंदर हमें स्टोरी काफी अच्छे तरीके से दिखाई गई थी। अगर आप लोग आयरन मैन की फर्स्ट मूवी को देखना स्टार्ट करोगे उसके बाद आप लोग जो एंड गेम तक सारी मूवीज को बिना रुके देखने वाले हो, क्योंकि इनकी जो स्टोरी लाइन है वो काफी बेटर तरीके से दिखाई गई है। और अभी के टाइम पे मार्वल की बराबरी कोई और यूनिवर्स नहीं कर पा रहा, यहाँ तक कि बेन 10 भी नहीं। तो ये थे 5 ऐसे यूनिवर्स जिनको आप लोग बेन 10 के अलावा फॉलो कर सकते
सकते हो क्योंकि इनकी स्टोरी लाइन काफी बेटर है और काफी पावरफुल कैरेक्टर हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। आप लोग नीचे कमेंट करके मुझे बताना कि इन पांच यूनिवर्स में आप लोग किसी यूनिवर्स को फॉलो करते हो। इसके अलावा वीडियो को लाइक करके आपके अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको फ्यूचर में ऐसी और भी अमेजिंग वीडियोस देखने को मिलती रहें। तो चलिए फिर मैं मिलूंगा आपसे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।